So, हम तो कहानी भूल गए भाई, दो साल पहले की कहानी थी माशाल्लाह, जब yes. आप दोनों मिले और एकदम हमें पता चला कि सिरा जो है वो आपकी हो गई. ये कैसे, ये क्या हुआ? अब तो हम शुरू से आपसे कहानी सुनेंगे. आप तो पहली दफा ही आए ना ऑन स्क्रीन. आई थिंक एंगेजमेंट हमारी तकरीबन इससे दो साल पहले हो गई. अच्छा, थी इतने कुछ नहीं बताया 2017 में. कोई चीज वायरल नहीं हुई. कोई होता है ना, कभी शोबिज की होती है, कोई लड़की तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये जो है ये हीरोइन जो है ये मतलब. बट हम एक दूसरे को 8 साल से तो जानते हैं. दस साल होने वाले हैं. आठ साल से स्कूल में पढ़ते थे साथ. हमारी शादी लेट हुई बिकॉज़ ऑफ हिम. हाँ, वो बेचारा कुछ बन तो जाता ना. एग्जैक्टली इसी के इंतजार कर रहे थे सब लोग. स्कूल में साथ थे, किधर थे? नहीं नहीं, हम लोग शादी पे मिले थे. बेसिकली मेरे दोस्त की बहन की शादी थी. अच्छा, वो जो दोस्त थे इनके वो हमारे स्कूल में सीनियर हुआ करते थे. आहा, कॉमन फ्रेंड्स थे तो वहां से बस ढोकी में. एग्जैक्टली हां, हमें डांस आती है. बट आई थिंक हमने बात नहीं की थी. और हमने फिर आई थिंक कुछ लाइक दो तीन महीने बाद फेसबुक पे ऐड करके एक दूसरे से बात शुरू की. आहा, अच्छा, तो डांस प्रैक्टिस साथ कर ली. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बात हमने किसी से उस टाइम तो हमने एक बात भी नहीं की. उस टाइम पे ये ऐसे लगते थे जैसे बहुत ना इनके बड़ी अकड़ से रहते हैं. तो हम सारे जितने भी दोस्त हैं इनसे डरते थे उस डांस प्रैक्टिस. शोबिज में भी नहीं थी? नहीं नहीं. So, वो ये थोड़ा सा नाक पे थोड़ा वो रखती थी, थोड़ा सख्ती. हम सब डरते थे डांस प्रैक्टिस में, क्योंकि सिखा भी यही रही थी हमें ये और इनकी बहन. तो हम सब डरते भी थे इनसे थोड़ा सा. अच्छा, सो वो आपको थोड़ा सा एक तो हिचकिचाहट तो हुई होगी ना शुरू में. बिल्कुल. तो फिर फेसबुक पे ऐड किया आप. ऐड करके फिर हमने बातें की काफी सारी, काफी अरसे तक. बहुत लाइक कोई 6-7 तुम लोग तुम पढ़ रही थी उस वक्त? मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी. सो मैंने कुछ महीने बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी. और आप पढ़ चुके थे? मैं यूनिवर्सिटी में था उस टाइम. अच्छा 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 अच्छा. सो फिर इकट्ठे यूनिवर्सिटी में गए कि नहीं अलग अलग? अलग अलग. मैं ज़ाबिस में थी एंड मैं सीबी में था. ओह, अच्छा अच्छा. फिर जब जैसे फेसबुक पे बात आगे बढ़ी तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं है भाई, कभी कभी बात होती थी, रात में होती थी, स्काइप पे होती थी. फिर उसके बाद कुछ भी बातें हमारी बहुत टाइम तक बातें, मतलब जर्नी मिलना भी नहीं होता था. शो बिज में आई आप अपने जॉब में, तो ये सब एक साथ एक दूसरे से मशवरे चल रहे होते थे क्या करूँ कि. आपको तो नहीं पता आधा आधा टाइम उससे तो मेरी शूट के बाहर कोई 3-3 घंटे वेट किया कि मेरा पैकअप होगा तो यूज टू ड्रॉप मी होम. And he hates waiting. इनको इंतजार करना नहीं पसंद. अरे बाप रे, तो आप इस पे लट्टू हो गई. 3 घंटे ये लड़का मेरा इंतजार करता है. नहीं, मैं इसको लट्टू नहीं, इंतजार को मैं अभी भी करवाती हूँ. If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.